पाल परीत तोड़ दे यदि बापड़ दे छोड़ दे कामिल पीर करीम हो गए मैं नाल हजार रतब लाउंद होंगे लाख होंगे ईमान मजहब गुफ्तार कमाल है काल अल्लाह हर कौल रसूल दे लब दिल शाद में खौफ शरीरत दा फर सकदा ने वे ने तरब दा राजी तेरे चमन दा हर फुल बड़ा हसीन राजी तेरे चमन दा हर फुल बड़ा हसीन शमसों कमर दचान सोना हमें दो दीने राजी तेरे चमन दा हर फूल बड़ा हसीन पाल ते सखी साहेबे कमाल भी शामिल मिजाज तेरा जमाल भी नामों से मुस्तफा दे मंसूर दा अमीर से मुस्तफा दे मंसूर दायबीन शमसों कमर दचाल शमसों कमर दचाल सोना हमी दो दीने आजी तेरे
सारा छोड़ दिया भाई, तू थोड़ा गला लो। भैया मोड़ छोड़ दियो मेरे, भाई और मोड़ छोड़ दिया, गड्डी कहीं नहीं खड़ोती भैया, गड्डी कहीं नहीं है, एक गड्डी कहीं नहीं भाई, काट गड्डी का दूसरा बड़ा बादशाह बनना है। Thank you.
नहीं मारना बात कर
बंदी तो आनी पई चंगा रखे बंदी तो आनी पई आगे निकल आओ गड्डी है वा जुलूस तक में मार रहा कि मोड़ आया ना बाद में सही
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਾੜਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਾੜਨੇ ਸਾਈਕਲ ਖਲਾਰਨੇ ਚਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪਿੱਛਾ ਬਣਦੀ ਪਈ ਸਾਰੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇ ਚਾਲੋ ਜੀ ਆਏ ਪਿੱਛਾ ਮੇਲ ਕੋਲ ਪਿੱਛਾ ਆਵੇਂ ਪੈ ਯਾਰਾ सारा जनाब सारा ले खाली कर रही सारे पीछे।
असलात व सलाम अलैकी या सैयदी या रसूल अल्लाह तमाम पीर भाई अकीदत नल मोहब्बत नल मवद्दत नल बावाज़े बुलंद दरूद व सलाम पेश फरमाओ असलात व सलाम अलैकी या सैयदी या रसूल अल्लाह वालिका व सहाबी के हबीब अल्लाह सलात व सलाम अलैकी या नबी अल्लाह बावाज़े बुलंद अकीदत नल प्यार नल मोहब्बत नल बावाज़े बुलंद पढ़िए सलात व सलाम अलैकी या सैयदी या रसूल अल्लाह वालिका व सहाबी के हबीब अल्लाह सलात व सलाम अलैकी या नबी अल्लाह वालिका व सहाबी के या रहमतल लिल आलमीन। अज दे अज़ीम शान प्रोग्राम क़िबला आशिकां हजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मुहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दी बारगाह दे विच नजराना अकीदत ओ मुहब्बत पेश करन वास्ते खलकाबाद और दामने मोहर दे अजीम गुलामाने पीर सियाल ने ये अजीम शान प्रोग्राम सजाया। अल्हम्दुलिल्लाह जानशीने हजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ने लजपाली फरमाई वादी यसून तो लेके जिला खुशाब तक यकीनन साईयां दा हर गुलाम अज मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि मेरे लजपाल ने बहु वड्डी लजपाली फरमाई है ते तुहाडे कोल अज तशरीफ लेके आए। इस तो वड्डी खुशी दी गल कोई नहीं, ये यकीनन दामन मोहर दे वासी बड़े अरसे तो यकीनन उड़ीक विच, लेकिन जदों साईयां मंजूरी फरमाई मेरे लजपाल ने लजपाली फरमाई ते अज यकीनन इस इराके नू रंग लगे ने मेरे लजपाल सयाल दा फैज है। जितने भी गुलामा ने मुस्तफा बिलखसूस काजी बिरादरान मैं दिली तौर पर सब नू मुबारकबाद पेश करांगा जिन्ना भी मेरे साईं दा जिक्र सजाया और मेरे साईं ने बहु लजपाली फरमाई। यकीनन कायनात एडा वड्डा लजपाल कोई नहीं जेडा वड्डा लजपाल मेरा पीर सयाल है जिन्हू समझ आई हो बाबा से बोला आखे सुभान अल्लाह। तू मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने तू मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने तू दीवा बाल के रख जा दीवा जाने हवा जाने तू दीवा बाल के रख जा दीवा जाने हवा जाने पूरी थी वे जाना थी वे बेकार नहीं बैंदी दुआ शाकिर तू मंगी रख दुआ जाने खुदा जाने पूरी थी वे या ना थी वे बेकार नहीं बैंदी दुआ शाकिर तू मंगी रख दुआ जाने खुदा जाने उठ फरीदा सुतिया तू झाड़ू दे मसीर तू सुत्ता रब जागदा तेरी डाठे नाल फरीद और उठ फरीदा सुतिया तू मेला वेखण जा मत कोई बख्शिया मिल जावी ते तू भी बख्शिया जा मत कोई बख्शिया मिल जावी ते तू भी बख्शिया जा मुर्शिद दे दरवाजे उत्ते मौकम लाइए झोका मुर्शिद दे दरवाजे उत्ते मौकम लाइए झोका नवे नवे नाजार बनाइए बांग कमीनिया लोका दर मुर्शिद दा खाना काबा हज जरूरी करिए दर मुर्शिद दा खाना काबा ते हज जरूरी करिए तकबा रख महबूबा बाला ते चल दुआरा मलिए ते दुआ मंगया करो संगियो। ए मेरे दिल दी आवाज है इंतहाई तवज्जो चाहांगा हर गुलाम दी ए आवाज होनी चाहिदी है के दुआ मंगया करो संगियो किथे मुर्शिद न रुस जावे दुआ मंगया करो संगियो किथे मुर्शिद न रुस जावे जिन्ना दे पीर रुस जावन ओ जीवदे भी मरे। मैं
इंतहाई अदब नाल ते अकीदत नाल तमाम गुलामां नूं वेलकम कहांगा और मोहब्बत नाल अपील करांगा। जितने साथी नंगे सर लैके बैठे वो मेहरबानी फरमा के अपने सरां नूं ढांक ढांप के गोडे थले करके झोलियां फैला के मेरे साईं बहु लजपाले ते साईयां लजपाली फरमाइए ते झोलियां अड़ के तुसां खैर मंगणी है साईं कोलो। लिहाजा अदब नाल अकीदत नाल मोहब्बत नाल मिलदा उदो है जदो अदब होवे। मोहब्बत के करीनों से अदब पहला करीना है कायनात जिसने भी मकाम मिले आए अदब दे बूवे तो। लिहाजा मैं आखिरी बंदे तक अपील करांगा कि कोई बंदा भी नंगे सर ना बैठे सरां नूं ढांप के अदब नाल अकीदत नाल मोहब्बत नाल और जदों लजपालां दे लजपाल हजूर करीम नवाज तशरीफ लेके आवन तमाम साथी मोहब्बत नाल अपन जगह ते खड़े हो के इस्तकबाल करना है और पिंडाल दे विचों कोई बंदा नारा बुलंद ना करे। ए गल अहबाब ने याद रखनी है पिंडाल दे विचों कोई बंदा नारा बुलंद ना करे नारा इंशाल्लाह स्टेज तो लगेगा। तमाम साथी अदब नाल मोहब्बत नाल अकीदत नाल अपनी जगह ते खड़े हो के मेरे साईं दी लजपाली देखणगे ते ज़ियारत करणगे। एक वारी मोल बोलो प्यार नाल अकीदत नाल लजपाल लजपाल पता लगे मोहार दे वासी मेरे लजपाल दी आमद ते कितने खुश हैं। दोवें हथ उठा के प्यार नाल बोलो लजपाल लजपाल पीर सियाल पीर सियाल बहु बड़ा नाम है मेरे लजपाल दा और यकीन मन्नो इस पूरी कायनात पिछे पिछे खुले हो के अकीदत नाल मोहब्बत नाल पीर भाई तशरीफ रखेंगे। अदब नाल मोहब्बत नाल अकीदत नाल तमाम साथी ज़ियारत फरमाओ मेरे साईं ने बहु लजपाली फरमाई है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तमाम गुलामां ने पीर सियाल नूं मुबारकबाद पेश करांगा जिवें वादी सोण तो लैके जिला खुशाब तक मेरे साईं दे गुलामां ने आपका इस्तकबाल किया है। खालके कायनात तुहानूं सदा पीर सियाल दी गुलामी च रखे जीवीए ते पीर सियाल दी गुलामी जे मौत आवे बल्कि मैं ते इंज वी कहांगा चिट्टे रंग दा बेदाम होसी जीउंदियां मैं नौकर मोया मिट्टी वी गुलाम होसी। मेरे साईं ने मौला जपाली फरमाइए साडे कोलो लफ्ज़ ही नहीं तबीयत नासाज होण दे बावजूद कितना दूर दराज दा सफर करके मेरे साईं तुहाडे कोल तशरीफ ले आए साईयां दी मौला जपाली ये लजपाली दी इंतहा है हस्बे रवायत महफिल पाक दा बाज़ाब्ता आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज्जत दे पाक कलाम दी तिलावत होवेगा। तिलावत ए कलाम मजीद फुरकान हमीद लई मैं अर्ज गुजार हां जनाब ए कारी नसर महमूद नईमी साहब कलाम इलाही दी तिलावत दे नाल महफिल पाक दा आगाज़ करन। بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان الذي المسجد الحرام إلى
الذي بعثنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. میں نوکر پیر سے آلدا ہاں تائیں فکراں توں آزاداں मैं नौकर पीर से आलदा हां तई फिकरा तू आजादा मेरा पीर हमीद ख्याल रखी तेडी जुल्फां दा सयादा और तेथे खास निगाहे मदनी दी तेरे बाजू मैं बर्बादा मैनू लोग सयाल भी आखदे हिम तेरी निस्बत नाल आबादा बरगाहे नाज़ दे हुजूर हदिया यकीदा तो मोहब्बत पेश करन लई जनाबे कारी मोहम्मद जफर इकबाल साहब साडे विच केड़ा कमाल रखिया साडे विच केड़ा कमाल रखिया आका दिया रहमता संभाल रखिया आका दिया रहमता संभाल रोंदा रेया सोना सानू बख्शाण लई रोंदा रेया सोना सानू बख्शाण लई किन्ना साडा सोने ने किन्ना साडा सोने ने ख्याल रखे संभाल रखे आ और आका दिया नातों दे तुफैल रब ने आका दिया नातों दे तुफैल रब ने साडे तो मुसीबता साडे तो मुसीबता नो टाल रखे आ आका दिया रहमता संभाल रखे आ और पीर से आल सानू इंज लग दे पीर से आल सानू इंज लग दे गोदड़ी दे बिच जीवें गोदड़ी संभाल रखे आ और बार छड़ी हर शे जिने यार तो बार छड़ी हर शे जिने यार तो ओनो कदी रब नहीं ओनो कदी रब नहीं कंगाल रखे आ दिया रहमता संभाल रखे आ साडे पीछे केड़ा है कमाल रखे
कि लजपाल सयाल दी नगरी विच हिन रहमतां लाइयां झोकां लजपाल सयाल दी नगरी विच हिन रहमतां लाइयां झोकां पिया फैज सयाल लजपाल वंडेंदे पिया फैज सयाल लजपाल वंडेंदे हिन जोश च आइयां झोकां और चन चढ़िया कमर सयाल शरीफ चन चढ़िया कमर सयाल शरीफ रब साईं चमकाइयां झोकां दर वस्ता पीर पठान दरे जय आन वसाइयां दर वस्ता पीर पठान दरे जय आन वसाइयां झोकां कोई पिनियां वान दियां लगियां सयालां नू जागा पीर पठान दियां मैं इंतहाई खलूसे दिल नाल अर्ज गुजारा हजरत अलामा किबला मुफ्ती मोहम्मद मजहरुल्ला सयाल सयालवी साहेब प्रिंसिपल दारुल उलूम जिया शमसुल इस्लाम अपने खूबसूरत कीमती कलमात तो नवाजे अजमाइन أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحبهم ويحبونه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف محبت نال پڑھ لیں صلات و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلات و السلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ پیر سیال غریب نواز لجپال سادات علماء غلامان پیر سیال برادران طریقت اس کوئی شک نہیں کہ عملی طور پہ तुसा अपने पीर की मुहब्बत दूर दराज मकाम एक कानफ्रेंस कायम की और इस कानफ्रेंस की कबूलीयत का असी अल्लाह ताला को ये यकीन रखते हैं कि जिस खुद पीर सियाल के लखते जिगर तशरीफ फरमा होए न वो कानफ्रेंस कबूल है तुसी जानते हो या सुनया जरूर उसने निकिया ला तू वह एक लफ्ज अबदाल होंदा अबदाल ये लकब अबदाल दा नबी पाक ने हदीस जिक्र किया हुजूर फरमाया कि कदी भी रूए जमीन 40 अबदालां तो खाली नहीं होंगी ये हिक भी फौत होवे तो दे जनाजे तो पहले 40 की गिनती पूरी कर दी जाती है ये अबदाल जमा दा सीगा ये वाहिद का नहीं और एक दस देवी है कि ये हुंदा हिक के ये हिक हुंदा है अपने चार वजूद बना के मशरक मगरब शुमार जरूब खड़े होके पूरी खलकत दी ये हिफाजत करता ये हुंदा हिक के इसे तू बदल को लुए बने आया अल्लाह ए जितनी कायनात की हिफाजत निगरानी ए पूरी करदा हिक होके सब तू उच्चा मकाम गौस आजम दा होंदा है गौस ओ होंदा है कि जेड़ा नबी पाक दी जात च मुकम्मल फना हो सैयद आलम दा मजहर अतम हो गया इसलिए अब्दाल कुतब कोलू भी गल काबू ना आवे
उस वेले गौस सच उठा के दुआ मंगदा है तो अल्लाह ताला पूरी मखलूक तो मुसीबत हटा छड़दा। मेरा पीर अपने वक्त दा गौस आजम है और ए उदे पीरा ने इनू शान बख्शी है, ये लकब भी पीरा ने दिता। मेरे पीर का दावा किता ही नहीं, आप तो मैं वेख्या है आए तलाब दे हेठ मिट्टी दुत्ते चा पा के जा नमाज सुत्ते हुए वेख्या आप दी आज दी एक शान आई। आपने आज तक अपनी जबान चू कोई ऐसी गल नहीं कटी। ए पीर मेहरबान आन, मशायख मेहरबान आन जिन्ना इस मर्तबे ते मेरे पीर नू पहुंचाया है। इस वास्ते ये न समझिया करो कि जी कॉन्फ्रेंस से वो मौजूद नहीं, जे एक अबदाल चार वजूद बना के पूरी रूह जमीन की हिफाजत करता है तो गौस अपनी रूह की ताकत न हर गुलाम की हिफाजत करता जिथे बैठे। दस्ते पीर अज गायबां को ताहनेश, दस्ते वजूद कब्जा अल्लाह नेश। मौलाना रूम फरमाइंदन के 24 घंटे पीर दा हथ मुरीद दे सिर ते, क्योंकि ए हथ ओ दा हथ नहीं, ये सच नूं अल्लाह ताला ने अपना हथ फरमाया। अगर सूरज 9 करोड़ मील दी मसाफत तू भी उत्ते खड़िया होके पूरी रूए जमीन नूं रोशन कर सकदा है ते जिसकी रूह ने नबी पाक की रूह दे इलहाक नाल तरबियत की है ओने फैजान की शान होगी। पीर मेर शाह बड़े मोहताज सूफी आन, उन हजूर आला दी शान ही फरमाया कि गश्त खुर्शी दे जहां दर जर्रा ही, कि दुनिया का सूरज मेरे पीर के नूर के सामने एक जर्रा ही नहीं, ए जमीन नू चमका रहा है और दर हमा आफाक मुतबक रोशन हस, मेरा पीर 14 तबक नू रोशन कर रहा है। ऐसे कोई शक नहीं ये मकामात अल्लाह ताला ने पीर सियाल लजपाल नू बख्शे। इस वास्ते कदी ना उम्मीद ना होना चाहिए, ज़ैफुल कौम तारिफुल किरामू अबुल खैर कहते हैं कि जेड़ा चंगा मेजबान होवे वह अपने आवन आलियां दी जरूरतां जानदा है, इत्थे दसण दी लोड़ का ही नहीं। गरीब नवाज आए मुसीबत आए परेशानी आए परेशानी है, ए ए ओ मेजबान खुद जानदा है केदी की जरूरत है और किवें ओ जरूरत पूरी करनी। दूसरी चीज मुख्तसर जी मैं अर्ज करनी है, क्योंकि ढेर मेरिया गल्लां दी लोगन समझ ही नहीं आती, मैं हाँ तो ठेठ पंजाबी बोलदा ते वज भी मैं हदीसां दे तर्जमे पढ़ना, जे हदीसां दा पढ़न लगो तो तुसां मैं मुँह चाके बैठे ही रहना। शबे मेराज सरकार दो आलम जिसले मकामे काबा का हुसैन ते फायज हो गए, अल्लाह ताला नू सिर दी अख नाल दीदार कीता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अल्लाह फरमाया सल या मुहम्मद कि ऐ प्यारे अज मंग जो कुछ मंगने। याद रखा है अल्लाह ताला भी या मुहम्मद करके मुखातब कीता है, जिब्रील अमीन 18,000 दफा आए उन्होंने भी या मुहम्मद करके हुजूर नु मुखातब कीता है। हज़रत ईसा इब्ने मरियम ने या मुहम्मद आख्या है, तमाम नबियां का भी ये वजीफा है, जिब्रील का भी ये वजीफा है, अल्लाह का भी ये वजीफा है। इस वास्ते या मुहम्मद आखन लगियां दिल नू ठडक दिती करो माज। सरकार ने त्राए गल्लां मंगियां, उन अत्रें ते मैं थोड़ी जी गुफ्तगू कर ली। फरमाया पहली चीज तो मैं तेरे कोलू तेरी मुहब्बत मंगना, असअलो का हुब्बा का कि तू मैंने अपनी मोहब्बत अता फरमा, वह हुब्बा मैं युहिब्बो और उसने भी मैं मोहब्बत अता फरमा जेड़ा तेरी जात नाल मोहब्बत करता।
और त्री गल मंगी वह आमले युकदबुनी इलाहु बेक के ऐसे अमल नाल मैं मोहब्बत अता फरमा के जेड़ा अमल मैं करा तो तेरे होर नेड़े होंदा जा। हकीकत यह है कितने एहसान आते अल्लाह ताला के वमा बिकुम मिन नेमतिन फमिन अल्लाह फरमा दुनिया आखरत जन्नत दी जेड़ी भी नेमत रब दी तरफ हुए जेड़ा इतना एहसान करण आला है ओदी मोहब्बत नहीं तो केदी मोहब्बत। सरकार अंबिया को रवायत मुहब्बत इलाही दी एक झलकी पेश कर रहा हूं। फरमाया अल्लाह मैं दिल दी जड़ नाल इस चीज नू महबूब जानना कि तू मैनू अपने नां ते कतल होवन दी तौफीक दे फिर मैं जिंदा कर फिर मैं कतल होवां फिर मैं जिंदा कर फिर मैं कतल होवां। रावी आदा 70 वारी हुजूर फरमाया कि मैं तेरे नां ते जिंदा होंदा रवां और तेरे नां ते कतल होंदा रहा। उम्मुल मोमिनीन फरमाईंदियां कि ईशा दी नमाज से सरकार दी हालत ही हो जांदी आई कि जिमें बहु बड़ी देग उबलदी है और उसे खोलन की आवाज आती है। नमाज नबी पाक के सीने का यह हाल हो जाता और आप बर्दाश्त ना कर सकते और मेरे को आके फरमाइंदियां कल्लमी या हुमैरा कि ए कबीला हुमैरा दी आयशा मेरे नाल कलाम करके थोड़ा जहा मैं इस इश्क नू बर्दाश्त करा वरना मेरी जान नू इश्क ला गया। हजरत आला गरीब नवाज हुजूर ख्वाजा शमसे जहां शमसुल्ला आरिफीन अपने मलफूजात फरमाया कि मैं एक दफा पीर पठान के नाल नमाज इच खड़ा हूं और इमाम ने अजाब दी आयत पढ़ी अचानक मेरे पीर का सीना खोलन लग गया हत्ता के सिर दे विचू धुएं निकलन लग गए सिर चू और आप बैठ गए आप खलो नहीं सके। हजूर पीर सियाल फरमाइंदे उस दिहाड़े मैं पता लगा मैं समझना अगले वली बहु ऊंचे हैं तो मैं उस दिन पता लगा कि मेरा पीर पठान भी किसी तू घट कोई नहीं जेड़ा मकाम रब इस नू बख्शे। इस तरह फिरौन ने माई आसिया खातून जमीन ते लिटा के ते गरम लोहे दियां मेखा दोवें हत्थां च गाड़ छड़ियां सीने च गाड़ छड़ियां पैरां च गाड़ छड़ियां और जिंदा तो कुरान करीम च इहदा जिक्र आप दुआ कीती है अल्लाह मैं इहदे गंदे आमाल कोलों निजात दे और जन्नत दे इब्ने रब्बने ली इंदा का बैतन फिल जन्ना अपने करीब मैं जन्नत जगह दे। अल्लाह फरमाया जिब्रील अमीन जा उस दिहाड़े आख्या है भाई उन्होंने पैदा करना जेड़ा जमीन ही फसाद करता है अज आके इश्क दी दास्तान भी वेख के आ कि मेरे ना और मेरी मुहब्बत से कुर्बान होवे लेकिन मैं कुर्बान है जबान चू उफ नहीं निकली फिरौन आदा वापस आ इस दीन तू दीने मूसवी तू। जिब्रील अमीन आए उन्हें कहा या अल्लाह बंदी तेरी बड़ी कामिल है लेकिन सवाल बड़ा अजीब मांग करी है तेरे को जन्नत मांग रही है जन्नत तो दर्जा बहुत होर भी जन्नती हो सन। अल्लाह ताला फरमाया जिब्रील गौर नाल सुन ओ प्या दिए इंदा का फिर जन्ना के पहले तेरा दीदार और कुर्ब का मकाम होवे फिर जन्नत होवे। असन कितनी अल्लाह ताला नाल मुहब्बत है कितनी नमाजां सी पढ़ने आ कितने ओदे हुक्म मनने आ कितनी साडे दिल विच कशिश है। एक निशानी कुरान रखी है कि जिन अल्लाह नाल मुहब्बत होवे उनु मौत प्यारी होंदी कि अल मौत जसरु यूसल अल हबीब इल अल हबीब मौत एक पुल है जड़ी यार नु यार नाल रला छड़दी। पता नहीं कितने साडे जो हैं कि जेड़े यार दे दीदार कान हैं। दूसरी फरमाया के हुब्बा मैं यू हिब्बो का कि उसकी मुहब्बत मैं दे जेड़े तेरी जात नाल मुहब्बत रखदा है। तुसी अंदाजा लायो कि जेड़ी दुआ नबी पाक रब को मंग रहे हैं उस दुआ की शान
क्या मुहब्बत का कोई मकाम नहीं? रूए जमीन ते गैर मुस्लिम हिंदू सिख अंग्रेज तक ए गल मन गए, अपनियां किताबां च इंग्लिश ही लिखियां पईयां ने, असी कोट कर सकने हां, इंग्लिश दे लफ्ज कोट कर सकने हां। उन्हां लिखिया इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन अज तक रूए जमीन च कोई हस्ती ऐसी नहीं आई जिहदे नाल इतनी मुहब्बत ते प्यार किया गया होवे जितना मुहम्मद और रसूलुल्लाह नाल उहदे असाबा ने प्यार किया। ये गैर मुस्लिम भी मनते पे, बल्कि प्यार एदा नां है कि नबी पाक नाल प्यार है, हुजूर दे यारां नाल प्यार है, हुजूर दे अहले बैत नाल प्यार है। हाली प्यार पूरा नहीं होया, मदीने दे गाह नाल प्यार है, मदीने दे कंडियां नाल प्यार है, हदूद मदीना दे अंदर जिहड़ी चीज उहदे नाल प्यार है। और साबा गाह नाल वड़ दे इस वास्ते के शहर रसूल दा एक वली हज ते गया नेक बंदा, जिसले दही खावन लगा तो मुंह चो निकल गई, भाई ये दही तो खट्टी है, राती खा बे नबी पाक फरमा निकल जा मेरे मदीने चो, तू मदीने शरीफ की शायद खट्टी आना। जिवें मैं हजूर गरीब नवाज को सुनिया कि असी महार शरीफ जा रहे आसे, सड़क टुटी हुई आई ते आप फरमाया मेरे मुंह चो निकल पाया सड़क खराब है, हजूर शेख उल इस्लाम फरमाया तौबा कर, जेड़ी सड़क महार शरीफ नू जानी उन्हू खराब आना। ये मेरे पीर का कौल है कि कोई तौसे शरीफ की सड़क नू खराब ना के, कोई महार शरीफ की सड़क नू खराब ना के। आख सकता है भाई औखा सफर है, इो जहा को लफ्ज अदब नाल बोल सकता सरवार मेरा निकल जा मेरे मदीने तू। उसने बड़े बड़े लोगों नाल मशवरा किया कि दसो मेरी कई जा है कई था है, तो उन्हें क्या सिवा सैयदना अमीर हमजा दे किसे दी जुरत नहीं नबी पाक के दरबार सिफारिश कर सकता। चुनाचे उन्हें जाके हजरत अमीर हमजा दी कबर तू फज लिया, त्रै दिन रोंदे रहे कदम ते मुंह रख के कि खुदा वास्ते मैं बचाओ मेरे को सामन गलती हो गई है। तीसरे दिन सैयदना अमीर हमजा फरमाया कि मैं तेरी सिफारिश कर छड़ी है, माफी तेन में लैके दे छड़ी है, लेकिन इस साल वापस चला जा क्योंकि खुदा दे महबूब का हुक्म है और उहदे हुक्म नू कोई टाल नहीं सकता। इस साल वापस चलिया जा, अगां तेन इजाजत हो गई है, लेकिन जदन भी आवे ख्याल करी मदीने शहर का ख्याल करी। ए है मुहब्बत के यार दियां गलियां नाल प्यार है, यार दियां थावां नाल प्यार है, उन्हां गावां नाल प्यार है, उन्हां कंडियां नाल प्यार है जिन्हां महबूब नाल निस्बत है। इन्हीं ओ मुरीद है जिन्हूं सिर्फ ए नहीं पीर खाने नाल प्यार है, पीर दियां गलियां नाल प्यार है, पीर दे रहण वालियां नाल प्यार है, उस बस्ती दे कुत्तियां नाल प्यार है। तीसरी चीज सरकार फरमाया हुब्बा अमल यू कर दे बनी इला हुब्बिक, कि ऐसा अमल मैं अता फरमा जेड़ा मैं तेरे करीब कर छड़े। बस ये आखिरी गल करके मैं खत्म करांगा। ओ केड़ा अमल है? ये तो तुहान पता है नबी पाक दे वुजू दे कचरे साबा जमीन ते ना अंठाण देंदे, हुजूर दा लुहाब अकदस उन्हें तलियां ते मल के चेहरियां ते मलिया। सरकार फरमाया कि तुहाडी ये मुहब्बत हक के जिहड़ी तुसी मेरे नाल करदे हो, मना नहीं फरमाया, फरमाया तुसी जिहड़ी बरकत हासिल करदे हो ये भी हक के, मेरी मुहब्बत भी हक के, लेकिन मैं तुहानूं एक ऐसी चीज ना दसा कि अगर उस ते अमल कर सो तो फिर अल्लाह ओदा रसूल तुहाडे नाल मुहब्बत कर सो। ये तो तुहान मुहब्बत है ना, तो मैं ऐसी चीज तुम दसा ऐसा अमल दसा कि जिद अल्लाह और रसूल तुहाडे नाल मुहब्बत कर सी। तो फरमाया त्राए चीजा ने फल यस्तुकुल हदीसा, पहली गल है कि मोमिन कभी झूठ ना बोले, हमेशा सच रहो। सब तो पहली सिर्फ हजूर की सादिक अमीन है ना,
पहला लकब ही साजक अमीन है ना, और साजक पहले के सच्ची दात हजूर नबी अजल तू है अब तक नबी, ऐसे कोई शक नहीं। लेकिन बचपन ने नहीं अल्लाह ऐलान करन दिता, क्यों लोग आखना बचपन ने ते जैसे बाले को नहीं ऐलान करन दिता की हिकमत आई कि लोग परख लेन कि इस जात की अकल की है, इसका किरदार की है, इसकी सदाकत की है, इसकी अमानत की है। जैसे 40 साल तक लोगों ने समझ लिया कि कभी झूठे के मुंह चू नहीं निकलिया, उसे फरमाया सोने हुण ऐलान कर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो फरमा पहली चीज ये है कि हमेशा सच बोले, झूठ ना बोले। फरमा जिस वक्त बंदा झूठ बोलता है इतनी बदबू निकलती कि दोवें कंधे के फरिश्ते 2 मील उस को दूर नस जाते। और जेड़ा बंदा झूठ बोलता रहा है अल्लाह लो महफूज है, चौदह ना कज़्ज़ाब लिख छड़ा। और जेड़ा हमेशा सच बोलता है और सच बोलने की कोशिश करता है अल्लाह ओदा ना सिद्दीक लिख छड़ा। और दूसरी चीज फरमाई वल युद्दिल अमानता, कि अमानत की खयानत ना करे। देखो ना हजूर को काफिर ही अमानत रख के जाते हैं कि इतनी ओदी होवे कि लोग आखे भाई जो कुछ भी है लेकिन वो बंदा है अमीन, अमानतदार हो, खयानतदार ना हो। तीसरी फरमा फला यो से जा रहा हूं अपने गवाढ़ी नू तकलीफ ना पहुंचा, उसको राजी रखे, उसको कोई ज्यादती हुई है तो फिर भी माफ करे। और सरकार फरमा अगर रिश्तेदार तेरे नाल ज्यादती करें तू उन्होंने नाल ज्यादती ना करी, ते जे तो ये अमल इख्तियार किया तो क्यामत तक अल्लाह तेरी इज्जत उन्होंने उत्ते गालिब रखी। और यही मेरे हजूर पीर सियाल लजपाल हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दा फरमान है कि जेदी जबान सच्ची नहीं, जेदा पेट दे अंदर रिज़्क हलाल नहीं, सिदके मकाल रिज़्के हलाल सिदके आमाल, चोरी करेंदा है, भेड़े कम करेंदा है, हराम माल कमेंदा है, उसकी दुआ कबूल नहीं होंदी। आप फरमाया फरमा उसे दे हाथ उठाए हुए रब कबूल करता है जरा जबान का भी सच्चा होवे, पेट च भी हलाल पाए। ए हदीस आई ए मेरे पीर सियाल दा तरीका जरा मैं तुम दस छड़ा है कि पूरी जिंदगी हसीदी की आई। अल्लाह ताला मेरे उत्ते भी रहम करे, अल्लाह ताला सारे ते रहम करे, हजूर गरीब नवाज का साया साढ़े सिर ते रखे, अल्लाह आपनू सुख से अतता फरमाए, मोहम्मद जियाउल हक साहब नू अल्लाह ताला दीन दुनिया दा खैर देवे और सेहत मंद। लखा ए बांदार बिशक होवेन गाटे लाल लजपाल छुरेंदेन, उस जाते काली रात नहीं होंदी जिथे मेहर दीपाल छुरेंदेन। प्यार ना लग सकदे हो सुभान अल्लाह, उस जाते काली रात नहीं होंदी जिथे मेहर दीपाल छुरेंदेन। इथे चोर मंजूर जे आ जामेन ए कर अबदाल छुरेंदेन, दी माशर ताइयो पछदे नहीं जेरे टीवे पार छुरेंदेन। मैं इंतहाई अदब नाल अर्ज गुजार हूं गुलामे पीर सयाल हजरत अलामा सैयद ताहिर उमर शाह साहिब हमीदी। अस्सलात व सलाम अलैका या सैयदी या खातमुन नबियीन व अला आलिका व असहाबिका या सैयदी या रहमतुल लिल आलमीन। आज बस्ती शेर वाली जिथे आज मेरे हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुजूर ख्वाजा ख्वाजगान हजूर ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी ए अजीम शान कॉन्फ्रेंस मुनाकिद है, और लख्त जिगर हजूर शेख इस्लाम आज लजपाली फरमा रहे हैं मौजूद हैं। मैं मुबारकबाद पेश करदा कि इस इलाके दे विच इस जगह ते इस कच्चे रस्ते ते आज इंज लगता पे है जिमें मदनी मेला लगा होया है, जिमें मेरे पीर सियाल का मेला लगा होया है, जिमें आज जंज आई हुई है और दुल्हा मेरे पीर सियाल खुद विच मौजूद है। बारे दीगर मुबारकबाद पेश करदा, और तुसी खुशकिस्मत हो कि तुहाथे करम होया मेरे पीर सियाल लजपाल गरीब नवाज का। आप दी तबीयत नासाज है और बुखार है आप नूं, उहदे बावजूद मेरे हजूर ने करम किया, और करम क्यों ना करन, आप लजपालां दे लजपाल हैं, लजपाली है भी मेरे पीर सियाल दे घर दी गल। मेरे दोस्तों अज असी जिस हस्ती का जिक्र सुनन आए हैं, जिस हस्ती के जिक्र वास्ते इस महफिल का इनाकाद किया गया है,
उन दुनिया शेख उल इस्लाम आख दिए। वालदैन ने ना रखा मोहम्मद कमरुद्दीन। मेरे दोस्तों जी मैं मेरा पीर लजपाल है। इस तरह जिस हस्ती दी महफिल विच आयो ओ ना सिर्फ लजपाल हैं बल्कि उन्हां दी हर अदा बेमिसाल ही ने। हसब वलों वेखो, नसब वल वेखो, किरदार वलों वेखो, शान वलों वेखो, मकाम वलों वेखो, अदब वलों वेखो, इश्क वलों वेखो, अजमत वलों वेखो, तुसी दुनिया दे विच फेर लो जेड़ा मकाम, जेड़ी इज्जत, जेड़ी अजमत अल्लाह और नबी ने मेरे पीर नूं दित्ती इंजर मिली किसे नूं नहीं। आप ऐ मेरे पीर भाइयों वास्ते कि आप सियाल बनिस्बत ये नहीं है कि आप सियाल हैं बल्कि हजरत गाजी अब्बास की औलाद हैं। ये जो लोग हैं ना जो जट हैं, हजूर पीर सियाल लजपाल गरीब नवाज नसब वलू हजरत अली की औलाद ही ने, मौला अली का खून ही ने, हजरत अब्बास का खून है, ये नस्ल अब्बास ही ने, ये नस्ल आले रसूल ने। और याद रखो जिवें हजरत अब्बास ने करबला विच हुसैन पाक दी गुलामी दा हक अदा कीता, अज भी नस्ल अब्बास सियाल शरीफ बह के हुसैन दी औलाद दा अदब इन्ने करिंदी है जिवें करबला विच अब्बास ने कीता। अगर अज दे दौर विच भी किसे अब्बासी वफा दा रंग वेखणा होवे, किसे सैयद वेखण होवे या किसे होर वेखण होवे, मैं दावत दे रहा हां आज भी जाते वेख लो सियाल शरीफ जाते दसन जरूरत पमदी है। मैं सैयद ज्यादा नस्ल अब्बास तड़प के आती है तुहाडे कदमां दे हाथ मेरे पीर हर लिहाज नाल बेमिसाल है। दुनिया दे पीर सियाल लजपाल माया दा लजपाल लफ्ज मेरे पीर दी शान विच मुकम्मल नहीं, लजपाल जरूर हैं पर मेरे पीर दा ते मकाम है कि जेड़ा इस बूवे ते आ जावे मेरा पीर उन भी लजपाल बना छड़दा ही नहीं। लजपालां दे लजपाल हैं, लजपालां दे लजपाल हैं। और हजूर शेख उल इस्लाम वल मुसलमीन जेदा जिक्र आज तुसी सुनन आए हो, आप नूं शेख उल इस्लाम अपने ते आख्या भी है ना, आज तो हर कोई शेख उल इस्लाम बनिया खलोता है, घर के बाल तो सिंध नहीं शेख उल इस्लाम, लेकिन अल्लाह ने सानू वह शेख उल इस्लाम दिता, अल्लाह ने सानू उस शेख उल इस्लाम की सूरत ही पीर अता किया, अपने ते अपने आख्या ही आख्या है। अज भी हजूर अमीर शरीयत को खतूत मौजूद हैं, ईरानी उलमा शिया उलमा ने क्या इख्तलाफ अपनी जगह ते, लेकिन जो कमरुद्दीन दिल भी खींदा दिल आता कि कमरुद्दीन शेख उल इस्लाम है, अपने ते अपने पराए भी उन्हें शेख उल इस्लाम तस्लीम करते हैं, पराए भी मनन का मजबूर है कि हजूर ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन पूरे आल इस्लाम दे शेख हैं, शेख उल इस्लाम हैं, अपने ते मने ही मने मजा तां आंदा जदों पराए मन जावे। आप दे इल्म दी गल वेखी जावे हर लिहाज में मेरा पीर बेमिसाल है। आलमी तमाम उलमा पीर किताबां पढ़ के किताबां दे विच इल्म लैके आंदे ने, किताबां पढ़ के इलम दसें दिन मसला दसें दिन, लेकिन ए गुलामां ने पीर सियाल दे गुलामो जिस पीर दी महफिल विच अज आए बैठे हो, जिस पीर दी गुलामी दा पट्टा तुहाडे गल विच है, मौलवी किताबां पढ़ के मसला दसें दिन, पर रब्बे काबा दी कसम है मेरे पीर ने जदा भी मसला दसिया या मदीने वाले ताजदार कोल पुछे या मौला अली कोल पुछ के तुहानू दसाया, और आपने खुद फरमाया कि मैं जदन कोई मसला दरपेश आवे, जदन मैं कोई मसला दरपेश आवे मैं किताबा नहीं फुर लेंदा, किताबा दे सफे नहीं बैठा, मदनी ताजदार खुद करम करेंदा कमरुद्दीन नूं आते आप दसेंदा मसला इन जई आ। आप दा अदब वेख्या जावे नबी पाक दे नाल, हुजूर दी आल दे नाल, हुजूर दे यारां नाल आप दी निस्बत और अदब वेख्या जावे। अज 14वीं सदी दे सैयद नस्ल रसूल हुसैन दी औलाद अगर अज भी सियाल शरीफ जावे और आप दसे कि असी सैयद आए तो मेरा पीर अदब करता है, एहतराम करेंदा, मत्थे ते सिर रख के उन्हां दा इस्तकबाल करेंदा है। ईमान अली दसो जिहड़ा 14वीं सदी दे हुसैन दे शहजादे दा अदब करदा है उहदे दिल विच मेरे हुसैन दा कितना अदब हो सकदा। सईदा नूं उन्हां दे शहर विच इतना कोई नहीं अदब करेंदा, उन्हां दे घर विच अल्लाह दी कसम है कोई नहीं इतना अदब नाल पेश आंदा जितना मेरा पीर सईदा दा अदब करेंदा ही ने। अगर कोई सैयद अपनी इज्जत और एहतराम और अपना मकाम और शान वेखना चाहता है कि मैं किस मकाम दा और सियाल शरीफ दी गलियां विच वग जावे, सियाल शरीफ दी गलियां भी उहदा अदब करे सन, मेरा पीर भी उहदा अदब करदा ही ने। मदीने पाक दे अदब दे हवाले नाल हुजूर शेख उल इस्लाम दा मकाम
सारी दुनिया मदीने पाक जाती है, उतु आबे जमजम ले आवना, खजूरा ले आवनिया, तोहफे तहाइफ ले आवने, लेकिन मेरे पीर दा मदीने पाक दे नाल जड़ी निस्बत और अदब है वो भी बेमिसाल है। आप दे कोल आप दे खुदा हाजिर होए हजूर मदीने पाक दी केड़ी चीज लेके जावनी है, केड़ा तोहफा लेके जासो, ते मेरे पीर ने फरमाया बाजार तू कफन ले लो और आबे जमजम में धो के मदीने दी गलियां विच बिछा छड्डो, जिस वक्त मदीने दा कोई कुत्ता उस कफन ते पैर रखे ओ कफन लेके मेरे को ला जा। हजरत मौलवी रहमतुल्लाह ओ कफन लेके जदो मदीने पाक दी गलियां विच बिछाया ते सारा दिन गुजर गया, कोई कुत्ता ना आया, कोई आके ते वापस चला जावे, वापस चला जावे। मेरा वजदान आता है कि जदो मदीने दे कुत्ते आंदे अगे ओ पैर दम रख दे। नारे तकबीर अल्लाह जदो मदीने दे कुत्ते आते मेरे पीर की हर अदा निकाल दी है, हर अदा में मेरा पीर बेमिसाल है। मदीने का एहतराम इतना है जे ते दिल विच मदीने दे कुत्तियां दा इतना अदब सी ओ ते दिल विच मदीने वाले दे पुत्रां दा कितना अदब सी, हजूर दे शहजादे दा कितना अदब सी। पूरी जिंदगी हजूर ने जिथे भी तशरीफ लेके गए अगर हजूर दे यारां दा जिक्र कीता, हजूर दे गुलामां दी शान दा सिद्ध नाल भी हजूर ने अपने जिथे अमजद मौला अली दा भी जिक्र कीता, हजूर दे शहजादे दा भी जिक्र कीता और हजूर दे यारां नाल आप दा जिहड़ा अदब होई बेमिसाल। पूरी जिंदगी हजूर शेख उल इस्लाम ने जिस जगह ते तकरीर कीती, जिस जगह ने तहरीर लिखी, आपने सिर्फ हजरत उमर नहीं लिखिया, सिर्फ हजरत अली नहीं लिखिया, सिर्फ हजरत अबू बकर नहीं लिखिया, बल्कि जदर ने हजूर दे गुलामों दा जिक्र होया जुबान ते या कलम ते आपकी जुबान हमेशा निकल आई अमीर उमर, उमर पाक, अली पाक, हसन पाक, हुसैन पाक, अबू बकर पाक, उस्मान पाक, आपने दस्या जिवें आल रसूल पाक है हजूर दे गुलाम ही पाक कीते। आपकी हर हर जगह ते मेरा पीर बेमिसाल, हर लिहाज में मेरा पीर बेमिसाल, हर किसी पहलू नाल देख लो मेरे पीर दी मिसाल नहीं मिलदी और ढूंढ के भी ले आता भी ना मिल सी। साडे शाह जीवने दी एक गल है, साडे कोल एक काजी खानदान है, उन्हां दा एक लड़का जेड़ा है उसने अपने बाप नु मारिया, बाप नु इस वजह तो मारिया कि उसने तकरीर विच आख्या दा नबी पाक नु गैब दा इल्म है, गैब दा इल्म है। वो बेटा जो लाई उस अकीदे का ना उसने प्यो कुटिया, हजे भी वो लड़का साढ़े कोल मौजूद है, साढ़े शहर जीवने की गल है, उसने बाप नू मारिया कि अब्बा जी तुसा तकरीर में शिरक की गल की है, तुसी शिरक वाली गल की है, गैब दा इल्म अल्लाह कोल है। जदों प्यो कुटी गया ना तो दूजे पुत्र कोल वग गया जड़ा आले, उन्हें जात दस्यो बा मैं अज तेरे बिरा कुटिया है, जुम्मे के खुतबे ते कुटिया, कि मैं तकरीर में आख बैठा भाई नबी पाक नू गैब दा इल्म है, ओ मैनू आदा बै तेन कुरान की आयतं भी खेना हदीसा भी खेना भाई नबी पाक नू गैब दा इल्म नहीं है। लेकिन पुत्री असी तो मुरीद हाँ पीर सियाल दे, असी तो नौकर हजूर शेख उल इस्लाम दे, साडे दे गल गुलामी दा पट्टा हजूर पीर सियाल दा, असानू जेड़ा अकीदा पीर सियाल अता कीता सी ते उसे ते आए, सानू पीर आख्या कि नबी नू गैब दा इल्म है ते असी मनणा है भावें मैनू मारे कुट्टे। दूजे पोतरा आख्या अब्बा जी क्यों परेशान होंदे हो, जाने सियाल शरीफ या ते हजूर दे कोल अर्ज करते हैं, हजूर सन दलीलां दे सन ते बिरा दा मुंह असी बंद कर साए। ओ जनाब ए ते मेरे पीर दी शान है ना, चार चौदार विच जिथे कोई शरीयत दा मसला आवे पहले सट्टे पीर सियाल दा नाम आंदा ही रे, फतवे दी गल होवे मसले दी गल होवे साडे कोल जिवें इक समुंदर होंदा ना जिवें तस्से दरिया ते अमदन साडे चार चौदार जिहनूं शरीयत दे मसले दी अज वी कोई जरूरत पवे ते सीधा मेरे पीर दे बूहे ते आंदा ही रे। प्यो पुत्र आ गया जी सियाल शरीफ, हजूर शेख उल इस्लाम दा जमाना है, हजूर शेख उल इस्लाम पूछा मौलवी नजर मोहम्मद किवें आया है, काजी नजर मोहम्मद खैर नाल आया है,
आप ने जो पूछा तो वह अर्ज करता है हजूर पुत्र मैनू मारिया है इस वजह तू क्यों आता नबी नू गैब दा इल्म कोई नहीं मैं तकरीर है क्या क्या नबी नू गैब दा इल्म है ओ गुलामा ने पीर सियाल नाज करो अल्लाह ताला ने तुम कितना सच्चा सुच्चा पीर अता किया है जब उस गल की ना तो मेरे हजूर पीर सियाल हजूर शेख उल इस्लाम फरमाने नजर मुहम्मद हुण दस तैन मैं कुरान दी आयता विखावा हदीसा विखावा या तैन डायरेक्ट नबी काल नबी पाक को पुछावा कि नबी नु गैब दिल में है या कोई नहीं किताबा पढ़नी है नहीं हदीसा पढ़नी है नहीं या नजर मुहम्मद तैन मैं नबी दी कचहरी च लै जावा नबी पाक को तू खुद पूछे कि नबी नु गैब दिल में है या नहीं है तो नजर मुहम्मद पैरों ते डै दर्द कीता हजूर करम फरमा बड़ा ही रहमत वेचो तो मेरे हजूर ने फरमाया अखियां बंद कर काजी नजर मुहम्मद इस गल दा रावी है क्या फरमाने के मैं जदों अखियां बंद कीतियां मैनू नबी पाक दा दीदार होया और आपने फरमाया कि कमरुद्दीन तन जिहड़ी गल दसी है वाकईतन सच है मैनू अल्लाह ने गैब दे खजाने अता कीते हैं यह है मेरे पीर सियाल दा मकाम यह है इल्म हर अदा निराली हर गल निराली कोई मेरे पीर कोई मिसल न ढोलन दी चुप कर मेहरे अली ए जा नहीं बोलन दी अल्लाह ने तुहानू और मैनू इतना कामिल पीर अता कीता है जदों हजूर शेख उल इस्लाम दा विसाल होया मेरे वाले साहब गो अहले सुन्नत नन अहले तशीया नन लेकिन जदों हजूर शेख उल इस्लाम दा वफात दा ऐलान होया खबर आई ते मजा ता पराए मनण मेरे वालिद ने आख्या इख्तलाफ अपनी जगह ते लड़ाई अपनी जगह ते झगड़ा अपनी जगह ते पर आज दुनिया तू सईदा दा अदब करण वाला टुर गया है जिवें सईदा दा अदब कमरुद्दीन कीता ना पहले किसे कीता ना कोई कर सकदा है दोस्तों नाज कीता करो फखर कीता करो अल्लाह ने तुहानू उस पीर दी गुलामी दा पट्टा तुहाडे तुहाडे गल विच है और हजूर पीर सियाल गरीब नवाज ने इस कॉन्फ्रेंस दा मकसद ही है कि अज आप दी याद विच ए नकाद कीती गई कि अज आप दी याद भी ताजा कीती जाए और आप दी तालीमात भी तुहानू दसियां जावण आपने इयो तालीम दित्ती कि नबी दा इश्क नबी दी गुलामी नबी दी आल दी नौकरी नबी दे यारा दी गुलामी और अपने पीर दी गुलामी दा पट्टा गल विच पावणा तुहाडा काम है जन्नत कबर जाने पीर सियाल जाने पीर पठान जाने अल्लाह पाक को दुआ अल्लाह हुजूर पीर सियाल दा भाणा बात फरमाए अल्लाह हुजूर ज़ियाउल हक़ साहब नु सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए अल्लाह हुजूर अमीर शरीफ नु सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए फमा अलैना इल्लल बलाग लासानी है मेडा पीर सियाल कमली दुनिया रीस करेंदी ढोले ना मैं दहाई खलूसे दिल नल उस शख्सियत नु याद करना चाहना गंज बख्शे फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा नाक सारा पीर कामिल कामलारा रहनुमा मुफ्ती मोहम्मद रमजान सियालवी साहिब खतीब आजम दाता दरबार लाहौर आप तशरीफ ले आउंदे ने और अपने कीमती खिताब तो नवाज दें जनाबे हजरत अलामा मुफ्ती मोहम्मद रमजान सियालवी साहिब खतीब आजम दाता दरबार हुजूर पीर सियाल लजपाल गरीब नवाज सारे सादात इजाम मशाइख इजाम उलमाए जी वकार गुलामाने पीर सियाल लजपाल आप दी तबीयत मुबारक अलील है और कैफियत जाहिर है साढ़े लई ते इस तबीयत की खराबी के बावजूद इतना सफ़र करके आप दा तशरीफ लियाना करम फरमाना यही दोहां जहानां की सआदत और खुशबख्ती लई काफ़ी है और मैं हमेशा अर्ज करना कि मैं कभी भी कोई इलम या तकरीर जाहिर करने लई हमेशा हुजूर पीर सियाल लजपाल की जियारत और चूंकि आप दे लंगर दे टुकड़ियां ते पल्ले आ तो उस गुलामी की निस्बत दे हक नूं अदा करन लई हाजिर होईदा पीर सियाल गरीब नवाज दी अपने गुलामां ते की करम है हर गुलाम एक मुकम्मल दास्तान है एक मुकम्मल किताब है कि हुजूर पीर सियाल गरीब नवाज दे किसी भी गुलाम को जितने बैठे लखां करोड़ां हजारां किसी नूं बिठा के पुछ लो वह यही दसेगा कि मेरे उत्ते पीर सियाल दा जितना करम है इतना किसी होर ते कोई नहीं उहदे कोल कोई ना कोई गल पीर सियाल लजपाल दे करम दी निस्बत दी मुहब्बत दी अता दी ऐसी है कि सारी जिंदगी उहदे लई उह बड़ा वड्डा सरमाया
मैं सिर्फ एक गल अर्ज करके इजाजत चाहता हूं। आम लोग पूछते हैं भाई कुरान पाक भी एक को किताब सारे उसनु मनते हैं, हदीस दी किताबा भी सारे पढ़ते हैं वही हदीस दी किताबन, बाकी जितने फन ने किताबा सारिया हिकुन, लेकिन कितनी अजीब गल है भाई हिक ओन जेड़े आदे भाई इस कायनात दे विच अल्लाह ताला अपने महबूब जिहा किसे नू बनाया ही नहीं, और जदों शान बयान करन लगदे न इलम दी गल होवे इख्तियार दी गल होवे हयात दी गल होवे अता दी गल होवे करम दी गल होवे अपने महबूब जिहा कायनात दे विच किसे होर नू ना समझ दे ना जान दे ना बयान कर दे, ओही किताबां पढ़ के कुछ बड़ी गुटी गुटी ते बड़ी अजीबो गरीब गल्लां करदे ने। असां अपने साथजा उलमा पीर सियाल लजपाल दे करम नाल जो समझिया उन्हों अगर मैं तुहानू सादे अल्फाज अर्ज करना चाहवां बस दिन दिहाड़े दे निकलिया अगर कोई बंदा काले रंग दी ऐनक पा लवे वो ऐनक जेदे शीशे काले ओदे सामने अगर कोई चिट्टे कपड़े पाया बंदा आ वंजे को दूजा पूछे भाई दस भाई इस केड़े रंग दे कपड़े पाए उस आखना जे एदे कपड़े दा रंग काला है, तो दूजा बंदा जेड़ा नाल खला है उस ऐनक नहीं पाई ओदी अखां सलामत ने उस आखना नहीं जनाब इस तां चिट्टे कपड़े पाए ने, हुण त्रीजा बंदा अगर आ वंजे उहनां दे झगड़े विच फैसला कराण लई ओ तक के आख सी भाई जेड़ा आधा वा कपड़े काले एक आधा के कपड़े चिट्टे कसूर केड़ी शायदा कसूर अख दा नहीं कसूर दूजे जेड़ी अपनी अख ते काली ऐनक लाइए उस ऐनक दा कसूर है। हुण इस ऐनक नूं मैं किवें समझावां कि अगर तेरी अखां दे विच नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम दी मुहब्बत दा सुरमा लग्या तू अदब दी ऐनक लाइए मुहब्बत दी ऐनक लाइए नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम दी ताजीम हुजूर अलैहि सलातो वसलाम दे गुलामां दी मुहब्बत दी ऐनक ला के जदों तू कुरान पाक नूं अलहम्दुलिल्लाह तो शुरू करेगा वनरास तक तू जिहड़ी आयत पढ़ेगा हर आयत दे विच तैनूं नबी दी शान ते नबी दी अजमत दा जलवा नजर आए। अगर तू तासुब दी ऐनक ला लई खुद ही कुछ ऐ घड़ के दिमाग च पहले पा लई ते फिर कुरान नूं पढ़ेगा ते तैनू नबी पाक दी अजमत दे जलवे कदी नजर नहीं आने। और एक होर ना लए बगैर साढ़े दो बड़े अजीम बुजुर्ग गुजरे उन्हां दा आपस च मुनाजरा मुकालमा तय पा गया जदों दोवें बुजुर्ग इकट्ठे होए मुनाजरा शुरू करन तो पहले गुलामे मुस्तफा ने यह पूछा भी जदों का यह ऐलान होया रातां तुसा भी जागते रहे हो किताबां तुसा भी पढ़ियां कुरान हदीस तुसा भी गंगा लिया ते मैं भी उही किताब कुरान मजीद ते हदीस पढ़ता रहा लेकिन अपने ईमान नाल दस वा रातां तेरा चंगियां लगियां या रातां मेरियां चंगियां लगियां, जिंदगी तेरी चंगी गुजर रही या मेरी गुजर रही, मैं पढ़ता रहा ढूंढता रहा कि अल्लाह ताला मेरे नबी नूं हयात भी अता की मेरे नबी नू इल्मे गैब भी अता कीता मेरे नबी नू ऐ शान भी अता कीती मेरे नबी नू ऐ शान भी अता कीती मैं ओ कम करता रहा जेड़ा नबी पाक अलैहि सलाम दे गुलामा हुजूर दे सहाबा भी कीता हुजूर दे अहले बैत भी कीता ते अज दे दौर दे करीब तरीन दे विच यही सारा कम मेरे हुजूर पीर से हल अजमान गरीब नवाज भी कीता। और ए निस्बत मैं तुसा सारे खुश नसीब हां जिस तरह मेरे तो पहले किबला मुफ्ती साहब शाह साहब इरशाद फरमाया पीर सियाल लजपाल गरीब नवाज दी निस्बत दी बेशुमार बरकतां खुदा दी कसम चा के आना होर कोई बरकत नसीब होवे ना होवे बरकतां ही बरकतां लेकिन हिको ए अदब वाली जड़ी निस्बत नसीब हो जांदी के बंदा हुजूर पीर सियाल दी निस्बत च आ के अदब करन वाला बल जांदा ए ओ नेमत है के जड़ी हुजूर पीर सियाल दे गुलाम नूं दोहां जानत कामयाब कर दिंदी।
क्यों कि जदों सिखाया जांदा कि पीर दा अदब की है हुजूर दी आल दा अदब की है हुजूर दे असहाब दा अदब की है नबी पाक अलैहि सलात व सलाम दे नाल निस्बत रखण वाली हर शै दा अदब जदों एक एक चीज दा अदब सिखाया जांदा वो खुद समझ जांदा कि जड़ी शै दूर निस्बत रखण वाली 1400 साल बाद अगर ओदा इतना एहतराम है ओदी इतनी शान है तो जड़ी सारी कायनात दा आका ते मालिक है ओदी कितनी शान ते ओदा कितना अदब होना और ये अदब जड़ा यही दोवां जहानां दे विच इज्जत दी कामयाबी दी जमानत है और ये दौलत नसीब होंदी और ये भी मैं नाल दसदा चला जुमरात वाले दिन दाता दरबार पीरां दी बड़ी वड्डी मंडी लगदी बड़ी वड्डी मंडी लगदी तो असीं सारी रात वे दराने आ अल्लाह ताला दी बड़ी मेहरबानी करम पीर सियाल लजपाल गरीब नवाज दे सदके कि ना नोट लई ना वोट लई किसे मकसद ले नहीं पूरे प्रोग्राम दे विच गल इक्को ही है या हुजूर पीर सियाल दी शान दी गल है ते या नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दे एहतराम दी गल कोई होर गल नहीं और ओही सबक मेरे हुजूर पीर सियाल गरीब नवाज शेखुल इस्लाम गरीब नवाज ने सारी जिंदगी पढ़ाया ते अज ओही सबक ओही दर्स ओही पैगाम लेके मेरे हुजूर पीर सियाल लजपाल गरीब नवाज गली गली करिया करिया नगर नगर हुजूर पीर सियाल लजपाल गरीब नवाज दा ओही पैगाम ओही मुहब्बत ओही बरकतां लैके वंडन लई पूरी रूए जमीन ते तशरीफ ले जांदे ने साडी तुहाडी खुश नसीबी कि अल्लाह ताला सानूं ऐसे कामिल और ऐसे कामिलां दे कामिल नाल निस्बत और गुलामी अता फरमाई अल्लाह ताला हुजूर पीर साल गुरी नवाज दा साया सलामत रखे और हुजूर किबला जियाउल हक साहब दामत बरकात मुल आलिया नूं सेहत कामिला आजिला नाफिया उम्र खैर अता फरमाए और आप दे फैज़ नूं जारी उस सारी ते फरमाया अल्लाह ताला साडी झोलियां विच भी उस फैज़ दी खरीब खैरात अता फरमाए अखीं भुखियां दी दियां मिठियां शहद नालों गल्ला पीर हामिद दी नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लम अला रसूलिल करीम इनल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लून अलन नबी या अय्युल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लमू तस्लीमा आदाब आम उलमाए किराम मेरे बुजुर्गो अजीजो तुसा सारे दी खिदमत विच मेरा सलाम मैं अर्ज सिर्फ इतनी करदा कि मेरी तबीयत परसों दी ठीक नहीं है खराब है परसों एक जगह उत्ते कॉन्फ्रेंस हो रही है तो उस वक्त मेरी तबीयत बड़ी खराब हो गई तो मैं अपने नाल छोर जरा रखता मैं ब्लड प्रेशर शुगर वगैरह टेस्ट करता हूँ ब्लॉक में उन्होंने चेक कर और दवाइयाँ मैं खा दिया तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब दे सदके और शेखुल इस्लाम गरीब नवाज दे तुफैल मैंने आराम फरमाया तो आज फिर उस शुवर ने कहा कि शेखुल इस्लाम दे कॉन्फ्रेंस से मैं कहा तबीयत तो ठीक नहीं है लेकिन टुर टुर शेखुल इस्लाम दे कॉन्फ्रेंस से मुमकिन है अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब दे सदके और अपने प्यारे दे बंदे सदके मेरे गुनाह माफ कर दे मेरे भाइयों सब तो पहले मैं थोड़ा ज्यादा वक्त ना ले सकता हूँ तबीयत है ना मैं लेना चाहना गर्मी का वक्त है और काफी देर तुम बैठे हो सिर्फ दो तीन गल्ला करता हूँ एक तो है कि तुम नारा मार दो लजपाल लजपाल का मार दो ना नारा पता है कि लजपाल कौन होगा ये तो नहीं पता नारा तो मार छोड़ना लेकिन ये तो मतलब ही समझो ना कि लजपाल आधे किसन है लजपाल किसन लजपाल उस देन के जेड़ा इस दुनिया के उ लज निभाया अपने गुलाम दी ते अगले जहान में लग वो लजपाल होगा हर बंदा लजपाल नहीं होगा मेरी गल सुन ले जाओ यदि मिसाल मैं जनाब की खिदमत अगे कई दफा अर्ज कर चुका हूँ भी अर्ज करता मुमकिन उन्होंने लोगों ने ना सुनी हो कि हजूर पीर पठान ख्वाजा शाह सुलेमान तौसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गुजरगाह एक हिंदू की दुकान है जिस वे हजरत गुजरते हैं उस जगह तो हिंदू अदब की खातर खड़ा हो जाता हाँ हिंदू
लेकिन अदब की खातिर खड़ा हो जाता कि यह बंदा जेड़ा है ना ये आम बंद चू नहीं उसके अदब वास्ते खड़ा हो जाता। तो हजूर पुछते हैं वह लाला क्या हाल है तेरा? वो आता हजूर भले को भली लाट भले को भली लाट। हजूर अगर तशरीफ ले जाते हैं वापस आते हैं यही कलमा आता जाते हैं यही कलमा आता भले को भली लाट। वक्त गुजरता गया कुछ दिन होए तो आप पूछा कि वो हिंदू अपनी दुकान से मौजूद नहीं होता कि गया किसी खलीफे ने अर्ज की गरीब डाढ़ा बीमार है ते घर पे होया। आप फरमाया टुरो उसनू पुछिए वेखो ना कितना करम लजपाली है अंदाजा नहीं ना फरमाया लजपाली दा कि हे हिंदू सारे जाति नमाज नहीं पढ़ी रोजा नहीं रखा ज़कात नहीं दिती हज नहीं की सिर्फ ये आख्या कि बल्ले नू बली लाड। हजरत पीर पठान फरमांदे ने अपने गुलामां नू कि चलो उसनू पुछिए सुनाचे आप तशरीफ ले आए उस हिंदू दे घर। उस वक्त वो मरण मराना बेचारा तो आप फरमाया कि सारी हयाती तू अग नू पूजिया है आज मेरे कन्न कलमा पढ़ चा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस हिंदू ने कलमा पढ़िया फौत ऐसी लज पाली कि इस दुनिया से तो रिया ही रिया अगले जहान अगर टोरिया तो वह भी ईमान के नाल मुर्तद होकर काफिर होकर नहीं टोरिया मुसलमान करके टोरिया। फिर हिंदू आख्या कि जनाब असा इन साड़ना है बड़ी बड़ी बिरादरी दूरों आई है लकड़ियां कटियां हुई तेल उते बीटे गए अग लाइए साड़ना। आप फरमाया इन साड़ो नहीं इनू ना साड़ो इस दे मुसलमान होण दा कलमा पढ़न दा मैं गवाह मेरे कन्न च इस कलमा पढ़िया इस साड़ो नहीं मुसलमान। उन्हें आख्या जी ये हिंदू है साड़ी बिरादरी के आखसी कि लकड़ा नहीं मिलिया इन्हें माचिस नहीं मिली अग नहीं जला सके असा तेन साड़ना ही साड़ना। आप फरमाया कि ठीक है तुसा इस साड़ो मेरी गल समझ आ रही है ना जी थोड़ा जा गौर कर दिया हूं। हजूर फरमाते हैं बिरादरी नू कि इस साड़ो अगर ये सड़ गया तो थोड़ा जो नसड़ा तो मेरा सड़ गया तो थोड़ा लै बनो इन साड़ो ये सवाल उड़ाओ जो मर्जी ने करो जी अगर न सड़े तो वक्त मैं ना दुआ वक्त मेरा सुबह तो लैके शाम तक को लकड़ियां बालते रहे वो उत्ते रखी रखिया लकड़ियां सड़ गई कोले खत्म हो गए उत्ते नहीं सड़िया शाम वेले तंग पै गए हिंदू चाह गया हजरत पीर पठान कदमा ही लिया जे ऐ संभालो जी साढ़े को नहीं सड़ता है। आप फरमाया इन तो दो जख के फरिश्ते ही न सड़े थे इस तरह आख्या मुहम्मद रसूलुल्लाह ये कैसे सड़ सकता। आप अपने दरवेशन हुक्म दिता कि इस नवाओ कफन पवाओ जनाजा यदा पढ़ते हैं जनाजा पढ़ के तो इस दफनैने यह है लजपाली लजपाली का मफूम समझ आ गए उसमें कि जितने तक इस दुनिया का आदमी रहा है उस भी लजपाल ये इसलिए दुनिया तू टोरदा उस लजपाल तो जिसल आखिरत होंगी तो उस लजपाल। यदि मिसाल तुम मैं देना दो साल हो गए मौलवी साहब वफात पाया जिंदा हैं उन्होंने कसम करके आख्या कि मैं उस महफिल मौजूद है जिसलिए हजूर शेखुल इस्लाम ख्वाजा मुहम्मद कमरुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मरूला शरीफ शादी से तशरीफ लिया गया उस वक्त तक हजूर फरमाते हैं कि मैं ढोल नहीं सुनता उस बड़ा आवाज करख्त होना मैं ढोल नहीं सुनता दोपहर को खाने तो बाद मैं सुत्ता तो ख्वाब मैं देखा कि नबी पाक तशरीफ ले जा रहे अगे अगे ढोल वगदे वगदे ढोल नहीं ढोल वगदे वगदे तो पीछे पीछे सारी उम्मतां नू बख्शा के ले जाते
अगे अगे ढोल वगदे वेंदे ने पिछे पिछे सारी उमत नूं बख्शा के लई वेंदे ने ते मेरे दिल तवज्जो फरमा के आखदे ने के कमरुद्दीन अपने गुलामां नूं संभाल ले। ये हुण जबान है शेख उल इस्लाम दी, बयान है नबी पाक दा के नबी पाक फरमाते हैं कमरुद्दीन अपने सारे गुलामां नूं संभाल ले। तो मैं अर्ज करदा कि हज़ूर सारे गुलाम हाज़िर जाने वेख रहे न होए ए दुई लज पाली। कितनी लज पाली, नारा मार छोड़ना कि लज पाल लज पाल, तो इस तो वड्डी गल तो है ही कोई ना कि उस मतलब लज पैना कि साड़ी लज पाले साढ़े गुनाह छुपाए साड़ी नबी पाक दी बारगाह सिफारिश फरमाए। ये तो है लज पाल वो होगा कि जेड़ा इस दुनिया दे भी और आखिरत दे भी कबर दे भी लजपाली फरमाए। एक मैं अर्ज वो करा अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आला मुहम्मद व बारिक व सल्लम व सल्ली अलैहि। दुरूद शरीफ पढ़ लो। एक पीर कामिल, पीर कामिल जिस वक्त उसका मुरीद कोई मरदा है और कबर ही दफन होता है, कबर ही दफन होता है तो उसकी लाश को वसूल उसका पीर करते ने, याद रखा भूलना नहीं इस गल को, आपने अकीदे से पक्का रहना और पीर का इश्क मुहब्बत आपने दिल में कायम रखनी। सवाल जवाब उस नहीं देने, मुर्दे ने नहीं देने, वो तो मुर्दा नु क्या पता, वो तो सारे सवाल जवाब वो तो पीर जैसी के तो रब कौन है, तो दीन कौन है, तो नबी कौन है, वो जवाब जैसी वो तो पीर। तो फिर ये दसो जिस मुरीद का जवाब सवाल वो तो पीर देवे वो तो बखी होने की भी कोई शक है। इस वास्ते बराए मेहरबानी अपने पीर दे नक्शे कदम ते चलो, अदब करो तो शेख उल इस्लाम दी तरह करो। उसने कमाल अदब की मिसाल कायम की। मैं अजे भी सोचता तो मैं हैरान होवां ना कि हजूर तशरीफ ले आते हैं गर्मी का वक्त आ दोपहर देखिया तो एक जंगल दी एक मोटर खड़ी आई, मोटर उस बच्चे भी हैं तो आप अपने ड्राइवर ने आख्या खड़ी कर मोटर, आपने मोटर खड़ी करा दी। वन पूछा कौन है, उन्हें आख्या कि मैं फलाना शाह साहब हाँ। आप अपने ड्राइवर ने आख्या कि मैं दरख्त थले जाने वास्ता ते बह जाना, जिथे इन्हें जाना उसे पहुंचा के आ। ये अदब की गल कर कहना, अदब नबी पाक की जात का, नबी पाक की आल की मुहब्बत का अदब, जा इन्हां नूं अपने घर पहुंचा के आ फिर मैं ले गए। वो शाह साहिबाद ने कि जनाब मैं गुनाहगार, मेरा मसलक जिहड़ा है वो अहले सुन्नत नहीं है, मेरा फिरका हो रहा है। आप फरमाए मैंने नहीं पता कि तेरा फिरका के है, तैं आख्या मैं सैयद हाँ, मैं आले रसूल हाँ, मैं वो अदब करदा, मैं तेरे दा अदब ही नहीं करदा। चुनाचे आप मोटर तो उतर आए, शाह साहब ने बड़ी जिद नाल सवार कराया, ड्राइवर उन्होंने छोड़ के फिर वापस आया। हाँ हजूर तशरीफ ले, ये तो है हजूर शेख उल इस्लाम का इश्क और मुहब्बत आले रसूल ना अपने पीर ना। एक मौली साहब का जिक्र मैं जरूर करता हूँ अक्सर कि मौली साहब आए उन्होंने बैत आई हजरत किबला खा आलम ख्वाजा नूर मुहम्मद महारवी जो पीर पठान दे पीर हैं, शायद कोई जान दे उसको या न जान दे उसको, पीर पठान ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी दे पीर किबला आलम ख्वाजा नूर मुहम्मद महारवी, उन्हां दा मौलवी साहब गुलाम है। तो उन्हां ख्वाब विच वेख्या कि फरिश्ते बहुत सारी अखां इंसानां दी अखां लैके वड़े वड़े बर्तन लैके अंगारे उत्ते सुटते पे, अंगारे उत्ते सुटते
ते ओ अखा जड़ियां ओ जे अंगारें उत्ते वेंदियां ने तड़ 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 करेंदियां जिस तरीके नाल हुंदा है। मैं एक फरिश्ते कोल पुछिया कि ये कौन है जिन्हां नूं इतना अजाब मिल रहा कि इन्हां दी अखां नूं दुख जिवें अंगारें दे उत्ते सुट्टे जा रहा। वो आखदे ने कि तां नहीं पता ये वो अखां जिन्हां ने ना महरम नूं बुरी निगाह नाल देखा। चुनाचे ख्वाबज मेरी अख भी खुल गई, परेशान बड़ा। सुबह मैं अपने पीर की बारगाह हाजिर होया, हजरत को पूछा मैं क्या गरीब नाज ये फरमाओ कि ना मारे बुरी निगाह नाल वेखना ज्यादा गुनाह है। आप फरमाया मौलवी रात वाले ख्वाब तो यकीन नहीं आया। मेरे भाइयों गैर महरम नूं हमेशा जी बैन समझो। इस चीज इस्लाम दी मुसलमान दी इज्जत कदर इत्राम। अल्लाह ताला थानू मैनू सब भाइयों नू अल्लाह ताला शरीयत पाक दे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बीमारा नू शफा कामला अता फरमाए, बेरोजगारा नू नेक रोजगार अता फरमाए, बे औलादा नू औलाद नरीना अता फरमाए। और मैं आखिर उत्ते एक अपने सारे भाइयों के कोलों गुलामी दावे दे एक नारा लगाऊंगा ना, नारा है रिसाला। शुक्रिया मेहरबानी। मुस्तफा जाने रहमत ला बेहद सलाम शमे बज़मे हिदायत बेहद सलाम। मुस्तफा जाने रहमत बेहद सलाम आसियो रब की रहमत बेहद सलाम शमे बज़्मे।